तो दोस्तों, दो 5G डिवाइसेस काफी किफायती दामों पर इस समय फेस्टिवल सीजन में मिल रहे हैं, गैलेक्सी M14 5G, पोको M6 Pro। तो इनके बीच कुछ कंपैरिजंस तो जरूर बनते हैं। सबसे पहले अगर इस स्पीड टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर इस स्पीड टेस्ट में एन2टू बेंचमार्क के स्कोर्स को तो कंपेयर करेंगे ही, साथ ही साथ जो वीडियोज रिकॉर्ड होंगे एन2टू बेंचमार्क के टेस्ट में उनको भी आपस में कंपेयर करेंगे। इसके अलावा रियल टाइम गेमिंग परफॉर्मेंस टेस्ट भी आपको दिखाऊंगा, एप्लीकेशन लॉन्चिंग वगैरह करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए इस स्पीड टेस्ट की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एन2टू बेंचमार्क स्कोर से। तो स्कोर्स की बात करें तो M14 5G का टोटल है 460,000, पोको M6 Pro का है 417,000। टोटल में M14 5G ज़्यादा है। कॉमन यूज़ की बात करें यानी कि CPU स्कोर्स की, तो M14 5G का स्कोर है 165095, M6 Pro का है 154323। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ नहीं है, दोनों लगभग सेम हैं। अब जैसे कि इस वीडियो को देखें जो दोनों ही डिवाइसेस के N22 बेंचमार्क के UI वाले पार्ट में रिकॉर्ड हुआ है। अब यहाँ स्क्रोलिंग में दोनों में ही आपको इशू देखने को मिलता है, दोनों में ही कुछ ना कुछ फ्रेम ड्रॉप और लैग देखने को मिलता है। तो कोई खास डिफरेंस यहाँ इस वीडियो में नहीं है, लेकिन मैंने जब दोनों ही डिवाइसेस पर एप्लीकेशन लॉन्चिंग राउंड करके देखा तो वहाँ पर ज़्यादातर एप्लीकेशंस M14 5G पर जल्दी लोड हुए एज कम्पेयर टू M6 Pro। अब यहाँ पर नो डाउट आपको पोको M6 Pro में काफ़ी हैवी हार्डवेयर या फिर प्रोसेसर देखने को मिलता है जो केवल 4nm की टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है, बट गैलेक्सी M14 5G में भी आपको एक्जिनोस 1330 जो प्रोसेसर मिलता है वो भी 5nm की टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है। तो कॉमन यूज़ में दोनों ही काफ़ी कमाल के हैं, लेकिन अगर कंपेयर करें तो M14 5G थोड़ा सा बेहतर है। इसके अलावा रीस्टार्ट टेस्ट में भी गैलेक्सी M14 5G पोको M6 Pro को बीट करता है। अब ये है इनके UI स्मूथ होने की वजह से, सैमसंग M14 5G में जो आपको बनी UI मिलता है वो MI UI से ज़्यादा स्मूथ है, ज़्यादा लैग फ्री है, इसीलिए कॉमन यूज़ में आपको M14 5G पर थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस यानी कि GPU स्कोर्स की। तो M14 5G का स्कोर है 78121, M6 Pro का है 56607। अब यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर इस 3D वीडियो की बात करें जो कि लगभग आप मान सकते हो मीडियम ग्राफिक्स का गेम, माइनर लैग आपको दोनों में ही देखने को मिलता है, लेकिन अगर गौर से वीडियो को देखें तो वहाँ पर M14 5G पर वीडियो ज़्यादा स्मूथली रन होता है एज कम्पेयर टू पोको M6 Pro। इस वीडियो के आधार पर और स्कोर्स के आधार पर M14 5G ज़्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं थोड़ी सी रियल टाइम गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ये प्ले हुआ है पोको M6 Pro पर। मैंने जब ये गेम मीडियम ग्राफिक्स सेटिंग्स पर पोको M6 Pro पर प्ले किया तो ग्राफिक्स ठीक ठाक देखने को मिले, बट लैग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और मीडियम ग्राफिक्स सेटिंग्स पर भी ना तो आपको लैग फ्री गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलती है और लैग इतना ज़्यादा देखने को मिलता है कि शायद आप गेम्स भी प्ले ना कर पाएं। नॉर्मल गेम आप प्ले कर सकते हो, कैंडी क्रश, टेम्पल रन, सबवे सर्फर्स, लेकिन मीडियम ग्राफिक्स गेमिंग में आपको इशू देखने को मिलेंगे और हाई ग्राफिक्स के गेम्स को आप यहाँ पर प्ले कर ही नहीं सकते। इसी के साथ बात करें M14 5G की, तो मीडियम ग्राफिक्स सेटिंग्स पर ग्राफिक्स ठीक ठाक देखने को मिले, इसके अलावा परफॉर्मेंस भी काफ़ी स्मूथ देखने को मिली। थोड़ा सा माइनर लैग देखने को मिला बट गेम काफ़ी स्मूथ चल रहा था। और मीडियम ग्राफिक्स सेटिंग्स पर M14 5G के आप बाकी गेम्स भी प्ले कर सकते हो माइनर लैग के साथ या फिर बिना किसी इशू के। हाई ग्राफिक्स सेटिंग्स पर यहाँ M14 5G पर भी इशू देखने को मिला, यानी कि M14 5G पर भी आप हाई ग्राफिक्स के गेम्स प्ले नहीं कर सकते, बट मीडियम ग्राफिक्स के गेम्स यहाँ प्ले कर सकते हो, और इस वजह से M14 5G गेमिंग में पोको M6 Pro से बेहतर है। इसी के साथ आखिर में बात करते हैं मेमोरी स्कोर्स की। तो M14 5G का स्कोर है 87538, पोको M6 Pro का है 99959। अब यहाँ पर स्कोर्स में जरूर पोको M6 Pro बेहतर है, बट मल्टीटास्किंग की परफॉर्मेंस आपको M14 5G पर भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। और जनरली अभी जो डिवाइसेज आ रहे हैं सभी पर मल्टीटास्किंग की परफॉर्मेंस काफ़ी कमाल की है। तो हार्डवेयर कंपैरिजन M14 5G पोको M6 Pro को बीट करता है, स्पेशली अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए तो पोको M6 Pro आपके लिए नहीं बना। तो फिर मिलते हैं ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।